अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टंग ओलंपिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अहमद अली और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीज़ो के बारे में। ये जो कंपनी है स्मार्टफोन्स की, इसने अभी पाकिस्तान के अंदर अपने फ़ोन लॉन्च किए हैं और आज हम इसके प्रोडक्ट मीज़ो प्रो 7 प्लस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि डुअल स्क्रीन मोबाइल है, यानी इसके आगे और पीछे दोनों तरफ हमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये अभी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इसकी डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो ये बार टाइप के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर कलर देखने को मिल जाते हैं। नेटवर्किंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 2G, 3G, 4G की सपोर्ट मिल जाती है और जो इसकी सिम टाइप है वो नैनो सिम है और ये डुअल सिम की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसकी सुपर पोर्ट कैपिटेटिव टच स्क्रीन है, 5.7 इंच की टच स्क्रीन है और इसकी रेजोल्यूशन हमें 1440x2560 पिक्सल की रेजोल्यूशन है। इसकी डिस्प्ले कलर की बात कर लें तो 16.7 मिलियंस कलर हमें शो कर सकता है। पिक्सल डेंसिटी की बात कर ली जाए तो 515 इसकी पिक्सल डेंसिटी है। टच स्क्रीन ये मल्टी टच को सपोर्ट करती है। इसकी जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो है गोरिल्ला ग्लास 5 की है देखने को मिल जाती है, लेकिन जो इसके बैक पे स्क्रीन लगाई गई है वो 2 इंच सुपर एमोल्ड डिस्प्ले लगाई गई है। कैमरा की बात कर ली जाए तो जो प्राइमरी कैमरा है वो डुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा है, डुअल कैमरा लगाया गया है और इसकी वीडियो हमें 30 FPS की हमें ये वीडियो प्रोवाइड कर देता है। इसके जो कैमरा, इसकी फ्लैश हमें डुअल LED देखने को मिल जाती है और जो सेकेंडरी कैमरा लगाया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का। सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए तो एंड्रॉयड 7.0 नोगोड इसके अंदर सॉफ्टवेयर है और यूज़र इंटरफेस इसके अंदर Flyme 6 लगाया गया है। हार्डवेयर की बात कर ली जाए तो इसके अंदर चीपस हमें MediaTek MT6799 देखने को मिल जाती है। इसका CPU ऑक्टा कोर है और GPU इसका डेका कोर 2.5 GHz है। रैम की बात कर ली जाए तो 4GB हमें रैम देखने को मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज की बात कर ली जाए तो 64GB या 128GB हमें दो इसके अंदर कैटेगरी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर सिम मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं है। सेंसर्स की बात कर ली जाए तो फिंगरप्रिंट है, फ्रंट माउंटेड आगे लगा हुआ है, एक्सेलेरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी और कंपास हमें देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें ब्लूटूथ 4.2, वाईफाई, GPS, NFC, हेडफोन जैक, जबकि हमारे पास कार्ड रीडर और माइक्रोफोन जैक नहीं देखने को मिल जाती है। डाटा की बात कर ली जाए तो हमें GPRS और EDGE का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब आगे बैटरी की बात कर लीजिए तो हमें इसके अंदर लियोन यानी लिथियम आयन की बैटरी है, जिसकी हमें कैपेसिटी 3500 mAh की बैटरी है और ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है। अब इसकी बात कर लीजिए प्राइस की, तो जो अभी जब ये लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस है 55,000 प्राइस है। ये आपके सिटी के लिहाज से या स्टोर्स के लिहाज से वैरी कर सकती है। अब आपको मैं कवर भी देने जा रहा हूँ। CPU है डेका कोर 2.5 GHz, रैम 6GB, स्टोरेज 64 या 128GB, डिस्प्ले 5.7 इंच विद 1440x2560 रेजोल्यूशन, इसका डुअल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का, बैटरी इसकी 35 mAh की। अब इसकी बात कर लीजिए ओवरऑल की, तो जो फ़ोन है ये अभी पाकिस्तान के अंदर जो फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, जो अभी लॉन्च हो रहे हैं, उनके मुकाबले में एक बहुत अच्छा फ़ोन है और मीज़ो अभी लॉन्च, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इसने ऑफिशियली कदम रखा है और इसके 3-4 प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनमें से अभी तक ये जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसका रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो उम्मीद है अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला है या वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट में एक कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें हौसला और हमें यह लगे कि हमने आगे वीडियो बनानी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अहमद अली गोइंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।